इसके लिए मैंने कई एग्जाम्पल आपको दे करके स्पष्ट किया, बहुत सारे एग्जाम्पल आपको बताया, बहुत सारी बातें बताई। तो इस भट्टी में आप जरूर पॉजिटिव बन के जाना, कभी भी निगेटिव नहीं सोचना, चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी आए। तो यही इस भट्टी का लक्ष्य है, हमें समस्याओं का समाधान करना है, कारणों का। चलते चलते किसी ने गाली दी, क्या समझो, अच्छा इसका भी बहुत दिन का बाकी था, पूरा हो गया। हमें घर को नहीं छोड़ना है, पति को नहीं छोड़ना है, बच्चों को नहीं छोड़ना, उसी गली में रहो, लेकिन अपने सोच को बदल कर रहो। कहते हैं नजर बदलो तो नजारे बदल जाएंगे। ठीक है, ओम शांति। आज आज आपके नगर में, आपके घर में, आपके विद्यालय में सचमुच के भगवान पधारे। सचमुच के भगवान कैसे होते हैं देखो, कर्म गतियों कर्म गति के हिसाब किताब कैसे बनते हैं। इस कलिकाल के अंतिम जन्म में कर्म तो सबके बिगड़े ही हुए हैं, लेकिन कुछ अच्छे कर्म थे जिस कारण से परमपिता परमात्मा अपने पारलौकिक पिता बाबा ने विद्यालयों की, अपने ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की स्थापना की है, ताकि इस विद्यालय में आकर के प्रत्येक प्राणी अपने कर्म गति को समझ सके। तो आज ये बात समझ में आ रही ना, आप लोग सबने सुना होगा कि कोई भी अच्छा करता है फिर भी उसके साथ कोई गलत बात आ जाती है तो मनुष्य फिर भी उसको दोषी देखते हैं, इसका जरूर कमी है, कोई दोष है। लेकिन आज क्या सुना, पूर्व जन्मों का हिसाब किताब हमारे साथ साथ चलता है। ये 84 जन्मों की जो कहानी है, बाबा भगवान परमपिता परमात्मा शिव बाबा बच्चों को सुनाते हैं, जिस कहानी को सुन करके प्रत्येक प्राणी यथाशक्ति अपने जीवन का परिवर्तन करते हैं।